दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी के तहत कराई गई परीक्षा ANM 9212 नियुक्ति पत्र मामले पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए, आप सभी की कॉमेंट आ रहे थे कि आखिरकार भैया 9212 नियुक्ति पत्र के संदर्भ में कोर्ट केस से क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल परसों के डेट में यानी दो दिन से हम आपके बीच में ANM के संदर्भ में कोई भी वीडियोस प्रोवाइड नहीं किए, ठीक है। तब से लगातार आप पूछ रहे हैं कि भैया आपका वीडियो नहीं आ रहा है, कुछ अपडेट्स नहीं मिल पा रही है। तो बिल्कुल आज उसके संदर्भ में पूरे प्रूफ के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। देख पा रहे हैं लिखा गया है ज्वाइनिंग के लिए खुशखबरी। जाहिर सी बात है, प्रत्येक विद्यार्थी के मन में थंबनेल देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि आखिरकार ज्वाइनिंग के संदर्भ में कौन सी खुशखबरी हम सभी के लिए आने वाली है। देख पा रहे हैं अब होगा नियुक्ति पत्र का वितरण पूनम द्विवेदी बनाम स्टेट यूपी। जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है मामला आपका कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, डेट पे डेट आपकी दी जा रही है। तो उसके संदर्भ में देख पा रहे हैं लिखा गया है केस हुआ लिस्टेड। जाहिर सी बात है, अब केस हुआ लिस्टेड का मतलब क्या होता है, इसके संदर्भ में आप पूरी जानकारी समझने के लिए चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा। देखिए यहां वरिष्ठ अधिवक्ता से पूरी लाइव बातचीत हमने किया है, उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आ रहा है, क्या केस की सुनवाई आपकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी लिस्टेड होने के बावजूद भी। और नीचे देख पा रहे हैं फैसले का आ गया अंतिम समय, पूरे प्रूफ के साथ हम आपके बीच में उपस्थित है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम कोर्ट केस ऑर्डर को दिखाना चाहेंगे। ये देख पा रहे हैं आपके बीच में सबसे ऊपर पूनम द्विवेदी बनाम स्टेट यूपी डिटेल्स यहां देख पा रहे हैं। केस डिटेल्स में आपका स्टेटस पेंडिंग नजर आ रहा है। यहां देखिए डिटेल्स आपके बीच में दी जा रही है, आपकी सुनवाई जहां होनी है, जिन जजों की पीठ में ये चीजें आप देख पा रहे हैं। देखिए आगे सारी डिटेल्स आपके बीच में दी जा रही है, स्टेटस लिखा जा रहा है पेंडिंग, ठीक है। और आगे हम आपको अभी एक स्टेटस और दिखाएंगे। यहां देख पा रहे हैं केस में बी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 21/4/2023 कंप्यूटर जनरेटेड, ठीक है। अब अगला हम आपके बीच में दिखाएंगे पिटिशनर को, आप देख पा रहे हैं पूनम द्विवेदी, ये सारी डिटेल्स आपके बीच में हैं। अब इधर फिर से आप देखेंगे, इसमें आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। इधर हालांकि अगर देखा जाए पहला स्टेटस जो हमने आपको दिखाया है सेम वही ये भी है, बट यहाँ आप देखेंगे डायरी नंबर वगैरह दिया जा रहा है। इधर देख पा रहे हैं पूनम द्विवेदी बनाम स्टेट यूपी, केस डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, डायरी नंबर दिया जा रहा है, और यहाँ देखिए केस नंबर जो है डिटेल्स आपके बीच में यहाँ भी है। और आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे 21/4/2023 यानी 21 तारीख को आपके फाइनल सुनवाई आपकी होनी है, ठीक है। जस्टिस जो है हरकेश राय एंड जस्टिस जो है मनोज मिश्रा की पीठ में सीरियल नंबर 50 में आपकी सुनवाई होनी है। और आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर आप देख पा रहे हैं डिटेल्स आपके बीच में लगा है। सवाल आपके मन में आ रहा है कि अगर हमारा केस लिस्टेड हो गया है तो क्या सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए अब की बार अगर वरिष्ठ अधिवक्ता के अकॉर्डिंग हम बात करें, आपको हम बताएं लाइव बातचीत को दिखा नहीं सकते चूंकि कॉपीराइट की संभावनाएं बन रही हैं, इस वजह से इस वीडियो को आपके बीच में पब्लिकली हम नहीं दे सकते। बट आप इतना समझिएगा कि इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, अगर केस लिस्टेड हो चुका है तो पूरा 100% चांसेस बनता है कि आपकी बार सुनवाई हो जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से एक बात कहा गया कि अगर दोनों तरफ से दोनों पक्ष के लोग मौजूद होते हैं तभी चांसेस बनते हैं, अगर एक भी पक्ष के लोग गायब होते हैं तो भले ही केस आपका लिस्टेड हो चुका है सुनवाई आपकी नहीं हो पाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि चांसेस 100% के हैं, दोनों पक्षों से बातचीत हो चुकी है, जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। यहां फैसले का अंतिम समय, जाहिर सी बात है प्रयास हम सभी का जारी है कि 21 तारीख की डेट में आपका जो भी मामला है वो पूरी तरह से फिनिश होके और नियुक्ति पत्र का जो भी प्रोसेस है वो जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। कुछ लोगों को इस बात का भी कंफ्यूजन सके, भैया अगर 21 तारीख को मामला शांत हो जाता है तो क्या अप्रैल में हमको मिल जाएगा। देखिए पहली चीज तो ध्यान रखिएगा कि 13 अप्रैल तक तो किसी भी कीमत पर 13 मई तक आपको किसी भी कीमत पर नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके बीच में आचार संहिता प्रभावी है। जो भी होगा जैसा भी होगा आपको 13 मई के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलने के चांसेस बताए जा रहे हैं, ठीक है। और यह मानकर चलिएगा कि मई के लास्ट तक आपको 100% नियुक्ति पत्र मिल जाएगा अगर मामला आपका कोर्ट से फिनिश हो जाता है तो, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज अब हमसे
सभी को 21 तारीख का इंतजार है। 21 तारीख को जो भी होगा चैनल के माध्यम से डिटेल्स आपको विथ लाइव प्रूफ के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।